subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जैसा कि मैंने बताया बच्चों आपको, इस चैप्टर में हमने तीन चीजों के एडजस्टमेंट सीखे, गुडविल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स, और रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। दो पार्ट हम पढ़ चुके हैं, अब तीसरा पार्ट रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट्स, रिवैल्यूएशन ऑफ सॉरी एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएशन करने से अगर किसी तरह का प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसकी एडजस्टमेंट बिल्कुल वैसे कि हमने वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सिंपल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, चेंज नहीं करना है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस। एक बात अपने माइंड में कंसेप्ट के तौर पे बिठा ही लो कि अगर वो कहता है कि कुछ चेंज नहीं करना है, जैसे गुडविल शो नहीं करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व नहीं करना है, P&L नहीं बांटना है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट नहीं दिखाना है, वो सब पुराना ही चलता रहेगा, तो आपने एक एंट्री पास करनी है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। और वो कहता है चेंज करो तो हम चेंज करें। जैसे रिवैल्यूएशन में चेंज करने के बारे में अगर वो कहता है कि रिकॉर्ड द रिवाइज वैल्यूज ऑफ एंड शो न्यू वैल्यूज इन द बैलेंस, इन दिस केस हम लोग एक स्पेशल अकाउंट बनाएंगे विच इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट। और एसेट्स और लायबिलिटीज के जितने भी रिवैल्यूएशन से होने वाले प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं वो हम सब यहां शो करेंगे, और इस अकाउंट से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। जैसा कि अगर हमने कोई प्रॉफिट हो रहा है तो कैसे होगा, या तो मेरी एसेट बढ़ेगी या लायबिलिटी कम होगी। भाई एसेट बढ़ेगी तो भी प्रॉफिट है, एसेट बढ़ने का मतलब मेरी बैलेंस शीट में कोई लैंड एंड बिल्डिंग 1,00,000 की शोन है, लेकिन आज मैं देख रहा हूं तो उसकी मार्केट वैल्यू होगी 1,20,000 रुपए, तो 20,000 मेरी एसेट की वैल्यू बढ़ गई है, तो दैट इज माई प्रॉफिट। या वाइज वर्सा मेरी लायबिलिटी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स 90,000 शोन है, पर उसमें से 10,000 तो शायद हमें पे ही ना करने पड़े, वो क्रेडिटर जो है अब वो चला गया है, तो लायबिलिटी कम हो गई तो वो भी मेरे लिए प्रॉफिट है। सो एसेट या लायबिलिटी को डेबिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट ऑल द गेन्स, और अगर कोई लॉस हो रहा है तो डेबिट ऑल द लॉसेस, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू उस एसेट या लायबिलिटी का नाम जिससे लॉस हो रहा है। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट पड़ी है तो उसको रिकॉर्ड कर दो बच्चों, अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड करने से आपको प्रॉफिट होता है, एसेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने से लॉस होता है। इसके बाद आपका रिजल्टेंट अगर प्रॉफिट आया तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल को क्रेडिट कर दो, लॉस आया तो पार्टनर्स को डेबिट करके रिवैल्यूएशन को क्रेडिट। समझ आई बात, और इसको अकाउंट फॉर्म में देखोगे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। दिस इज योर रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट ऑल द लॉसेस, क्रेडिट ऑल द गेन्स। देखो लॉसेस किस किस वजह से हो सकता है, या तो वैल्यू ऑफ एसेट गिर जाए या वैल्यू ऑफ लायबिलिटी बढ़ जाए, ये लॉस है। और अगर मेरी वैल्यू ऑफ एसेट बढ़ रही है या वैल्यू ऑफ लायबिलिटी गिर रही है तो ये दोनों ही मेरे लिए प्रॉफिट, तो डेबिट ऑल द लॉसेस, क्रेडिट ऑल द गेन्स। इससे अगर गेन आ जाता है या लॉस आ जाता है तो इस गेन या लॉस को हम लोग पार्टनर्स में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे मैं छोटा सा एक फ्लो चार्ट बनाया था, गेन आए या लॉस आए इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में एज अ केस में भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अगर हमें वो कहता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट में नई वैल्यूज शो करो, तो दिस इज द वे हम रिवैल्यूएशन बनाएंगे, उससे जो प्रॉफिट या लॉस निकलेगा उसको पार्टनर्स में बांटेंगे उनकी ओल्ड रेशियो में, और फिर नई बैलेंस शीट में नई एसेट्स की वैल्यू और नई लायबिलिटीज की वैल्यूज के साथ बैलेंस शीट पर। ओके, इस क्वेश्चन करते हैं।